दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एयू बैंक अल्टूरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये एयू बैंक का एक पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। इस वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगता है तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं DRS डिजिटल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आप रिवार्ड पॉइंट के साथ साथ में आप कैशबैक भी इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं और फर्स्ट 60 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आप कम्प्लीट कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट में 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक मिलेगा। जैसे आप मर्चेंट आउटलेट पे इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 1.5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। और यह कैशबैक एवरी स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपीज तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। 100 रुपीज का कैशबैक लेने के बाद आप कोई भी ऊपर स्पेंडिंग करते हैं तो एवरी 100 रुपीज पे आपको 1 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 2 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप इंश्योरेंस, यूटिलिटी, एजुकेशन, रेंट पेमेंट या फिर गवर्नमेंट का कोई भी पेमेंट करने पर आपको इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर इस पे 1 रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू है वो 25 पैसे तक की इस क्रेडिट कार्ड पे वैल्यू मिल जाएगी, जिससे आप कोई भी शॉपिंग या कैटलॉग वगैरह आप बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये जो जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनको एयू रिवार्ड्स की वेबसाइट से आप बड़ी आसानी से रिडीम भी कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से आप कैलेंडर मंथ में 20,000 या फिर उससे ज्यादा का स्पेंड कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 500 बोनस रिवार्ड पॉइंट भी मिलेगा माइलस्टोन बेनिफिट में। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे लाउंज की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री 2 पर क्वार्टर रेलवे लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ मिलेगा, लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 400 रुपए का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक का फ्यूल पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप मैक्सिमम 150 रुपीज तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कार्ड लाइबिलिटी कवर है वो भी मिल जाता है। और इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक्सप्रेस EMI की फैसिलिटी है वो भी मिलती है, यानी कि आपका कोई भी ट्रांजेक्शन 2000 या फिर उससे ज्यादा का कोई भी ट्रांजेक्शन रहता है तो आप उसको इजी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ में ये क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों फीस एंड चार्जेस बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्यारा सी जरूर से लाइक करें। आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है वो 499 प्लस 18% का GST रहता है, लेकिन आप फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज लिया जाता है उसको रिवर्सल कर दिया जाता है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के सेकेंड ईयर जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं वो भी सेम है, 499 प्लस 18% का GST रहेगा, लेकिन आप पिछले एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से 80,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाता है उसको भी वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन कार्ड इस क्रेडिट कार्ड के साथ में ले सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड आपको मिलने वाला है वो 48 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होंगे वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के होंगे और साथ में जो 18 डेज होगा वो इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए टाइम आपको मिलेगा। ये 18 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपए हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपए तक की लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे हो सकती है और जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रहता है उस पे इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3.59% मंथली चार्जेस लिया जाएगा, वहीं एनुअली बात करें तो 43.08% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज रहेगा। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट होते हैं
तो ये फाइनेंस चार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस लिमिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जितनी टोटल लिमिट मिलती है उसके 40% की लिमिट आपको कैश एडवांस लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। अगर इस कैश एडवांस लिमिट को आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी आपने जो एटीएम से विड्रॉल किया है अमाउंट उस पर या तो 2.5% का चार्जेस लगाया जाएगा या फिर कम से कम 100 रुपीज का चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी फॉरेक्स करेंसी में ट्रांजेक्शन करने पर इस क्रेडिट कार्ड पे 3.49% का मार्कअप चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। यानी कि कोई भी आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो 3.49% का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा रेंट पेमेंट चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से आप कैलेंडर मंथ में फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्जेस आपको आपसे नहीं लिया जाएगा। वहीं आप कैलेंडर मंथ में सेकेंड ट्रांजेक्शन करने पर जितने भी अमाउंट का आप रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपसे 1% का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अल्टूरा प्लस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए। प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज है वो 21 से लेके 60 ईयर तक की एज यहाँ पे होनी चाहिए। एड ऑन कार्ड लेने के लिए 18 ईयर या फिर उससे ज्यादा की एज होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। दोस्तों वैसे इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इनकम की यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मेरे हिसाब से 20,000 या फिर 25,000 आप मंथली की कमाते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को आप कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा एयू बैंक में आपका अकाउंट है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। हो सकता है आपको विदाउट इनकम प्रूफ भी यह क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप एयू बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो बस यही था एयू बैंक अल्टूरा प्लस क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।